Hi guys, welcome your favorite YouTube channel Facial Care on Self. आज मैं फ्रेंड्स आपके सामने एक समर स्पेशल सिंपल सा फेस पैक दिखाऊंगी। ये बहुत सिंपल है पर बहुत ही इफेक्टिव है। इसको इस्तेमाल करने से फ्रेंड्स आपका स्किन में इंस्टेंटली एक फेयरनेस आएगा। ये आपका स्किन टोन को ब्राइट बनाएगा और लाइट भी बनाएगा। और फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो लोग मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि ऐसा कोई टिप्स दिखाइए मैम जिसमें बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स ना लगे और वो घर पर मिल जाए। तो मैं आज ऐसा ही फेस पैक बना के दिखाऊंगी। इसमें मैं थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ और इसके लिए आपको बाहर से सामान खरीदना भी नहीं पड़ेगा। ये आपको आपके अपने किचन रूम में घर बैठे ही मिल जाएगा और ये बहुत इजी है और इफ़ेक्टिव भी है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। पर फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देखिए मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे से मैं जो भी अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगी उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब बटन के पास ही देखिए एक बेल बटन भी है, उसको भी क्लिक कीजिए। क्योंकि उसको क्लिक करेंगे तो मेरा जो जब भी कोई नया वीडियो आएगा तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या क्या लेना है। इसके लिए पहले तो मैं ले रही हूँ बेसन को। बेसन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रहता है। ये आपका स्किन को इंस्टेंटली फेयर बनाता है, स्किन को ब्राइट बनाता है, स्किन को टोन को लाइटनिंग भी करता है। और इस मौसम में यानी ये गर्मी के मौसम में ये आपका स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रेशन होता है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। और इसके साथ मैं ले रही हूँ मिल्क को। जिनका भी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है वो मिल्क ऐड कीजिए और जिनका स्किन ऑयली है वो रोज़ वाटर ऐड कीजिए। यानी रोज़ वाटर और मिल्क इन दोनों में से कोई भी एक को आपको लेना है आपका स्किन टाइप के हिसाब से। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी लेमन का जूस को। लेमन का जूस आपका स्किन को ब्लीच करता है, आपका स्किन टोन को लाइटनिंग करता है। तो इसके लिए मैं लेमन का जूस ले रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं इस पैक को बना लेती हूँ। इस पैक को बनाने के लिए आपको 2 चम्मच बेसन ऐड करना है और इसके साथ मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा स्किन नॉर्मल टू ड्राई है। तो इसके लिए मैं मिल्क ले रही हूँ 2 चम्मच। आपका स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ आपको 2 से 4 बूंद लेमन का जूस ऐड करना है। इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स होने के बाद इसको मैं अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसको अप्लाई करने के बाद इसका क्या इंस्टेंट रिजल्ट आता है वो भी आप देख पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा तो लाइक एक बनता ही। फ्रेंड्स ज़रूर मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए और अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं इस पैक को अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। यह है मेरा पैक, अभी मैं इसको अप्लाई करूंगी। इसको अप्लाई करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट चेहरे पे लगा के रख देना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लेना है। ये पैक फ्रेंड्स आप हफ्ते में 4 दिन यूज़ कर सकते हैं, यानी एक दिन बाद एक दिन आप अपने चेहरे पे इस पैक को अप्लाई कर सकते हैं। इसको अभी मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी, उसके बाद इसको धो के आपको दिखाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा पैक अभी फुल ड्राई हो गया है। अभी मैं इसको धो लूँगी। इसको धोने के बाद इसका क्या इंस्टेंट रिजल्ट आता है वो आप देख पाएंगे। इसको मैं आपके सामने धो के दिखाऊंगी एकदम लाइव। और ये पैक फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। इसको धोने के बाद ही तुरंत बाद ही आपका स्किन में एक फेयरनेस और ब्राइटनेस आ जाएगा। देखिए मैं धो रही हूँ और मेरा स्किन पहले से कितना ब्राइट लग रहा है। अभी मैं देखिए पोंछ ली हूँ, देखिए मेरा स्किन कितना ब्राइट हो गया है पहले से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे और भी एंट्री मिलेगा। ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।